स्वागत। देखें संश्लेषण और विश्लेषण की हम बात संश्लेषण और विश्लेषण की हम बात करते हैं मित्रों। थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा क्योंकि दिलराज जी है, हिंदी पर बहुत अच्छी अपनी पकड़ रखते हैं और इसलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूं आपसे। एक संश्लेषण विधि होती है और एक होती है मित्रों विश्लेषण विधि। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी संश्लेषण और विश्लेषण में क्या होता है आप समझिए इनको। देखें शिक्षण विधि की यही महत्वता है कि हम यदि रटने का प्रयास करेंगे तो कितना रटेंगे, कितने शब्द रटेंगे, और ये व्यावहारिक चीजें हैं और इनको जब अंदर से आप समझोगे नहीं तब तक आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपका दो से चार मिनट आपका लेता हूं मैं कि विधियों की मैं बात करूंगा जब आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, पर अभी चूंकि ये प्रश्न आया है तो इसलिए संश्लेषण विधि क्या है और विश्लेषण विधि क्या है। संश्लेषण का अर्थ होता है बड़ी चौड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, यानी सार। आप यूं समझ लीजिए संश्लेषण का मतलब होता है सार और विश्लेषण का मतलब होता है व्याख्या, यानी बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ये संश्लेषण विधि के अंतर्गत होता है। और जब कोई छोटी बात है उसको धीरे धीरे उसके भेद सहित वर्णन कर देना वो विश्लेषण होता है। जैसे हम बात करें किसी भी टॉपिक की बात करें हम कि हमने कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका से चल करके गंगापुर सिटी आता है, अमेरिका का रहने वाला है और वो उसको आना है गंगापुर सिटी। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले ऐसा तो है ही नहीं कि अमेरिका से वो चलेगा और अमेरिका वालों से पूछेगा भाई साहब ये गंगापुर सिटी के लिए कोई बस है क्या, गंगापुर सिटी के लिए कोई ट्रेन है क्या, गंगापुर सिटी के लिए कोई हवाई जहाज है क्या। जी नहीं, वो जब अमेरिका का कोई व्यक्ति गंगापुर सिटी आना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो इंडिया की बात करेगा, यानी वो भारत के विषय में जानकारी लेगा कि भारत कहाँ है, भारत मुझे जाना है तो मैं किससे जाऊं, किस साधन से भारत जाऊं, तो पहले वो भारत की बात करेगा। जब वो भारत भारत पहुंच जाएगा, भारत जब दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर जाएगा तब वो बात करेगा कि भाई साहब ये भारत में राजस्थान कहाँ है, भारत में क्या है राजस्थान कहाँ है। फिर वो राजस्थान की बात करेगा मित्रों, जब वो राजस्थान में पहुंचेगा जयपुर पहुंचेगा तब वो बात करेगा कि वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो वहां राजस्थान में आप वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जाएगा और फिर वहां से बात करेगा कि भाई साहब यहाँ पर कोई गंगापुर सिटी है क्या, गंगापुर सिटी का कोई नगर है क्या, तब वो माधोपुर आकर के गंगापुर सिटी पहुंचेगा। अब ये जो अमेरिका का व्यक्ति है इसने क्या किया, इसने संश्लेषण विधि से, यानी पहले बड़ी बात थी यानी भारत के विषय में जाना, भारत से राजस्थान, राजस्थान से माधोपुर और माधोपुर से गंगापुर, ये है आपकी संश्लेषण विधि। विश्लेषण क्या होता है मित्रों, विश्लेषण यहां से स्टार्ट होता है कि जैसे मैं बात करूं, मैं वहां अमेरिका गया, मुझसे पूछा कि भाई साहब आप कहां के रहने वाले हो, तो मैंने उनको बताया अमेरिका में मैंने उनको बताया कि श्रीमान जी मैं गंगापुर सिटी का निवासी हूं जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान नामक एक राज्य है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है और फिर राजस्थान जो है वो भारत यानी इंडिया के अंतर्गत आता है। मैं इस प्रकार अपना मैंने परिचय दिया, ये हुआ मित्रों विश्लेषणात्मक विधि यानी संश्लेषण, यानी बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, और विश्लेषण यानी छोटी बात को बड़े रूप में करना। जैसे मैं बात करता हूं आपको हिंदी के हिसाब से ही बात करता हूं, यहां मैंने इन उदाहरणों के जी जी गोलू जी गुड इवनिंग। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि संश्लेषण और विश्लेषण इस तरीके से आप समझे होंगे, मैं और आपको कई विधियों से मैं आपसे बात करता हूं मित्रों, बहुत सारी विधि आपको यहां पर बताता हूं। जैसे जैसे हमने बात की किसी भी हिंदी के टॉपिक की बात करते हैं, संज्ञा की बात करते हैं, संधि की बात करते हैं। अब मैंने बात की
संधि की बात की मित्रों, संधि की बात की। अबे संधि कहते किसे हैं, संधि की व्युत्पत्ति क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, ये मैंने आपसे चर्चा की। उसके बाद संधि के भेदों की मैंने बात की आपसे और संधि के भेद बताए कि तीन संधि के भेद होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर मैंने बताया कि भाई साहब जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं, तो वो पांच भेदों की मैंने चर्चा की कि एक संधि भी है यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और फिर मैंने बात की मित्रों, यहाँ एक संधि की बात की, एक संधि में बताया पहला नियम कि भाई साहब ई और ई के स्थान पर यह होता है, फिर दूसरा नियम बताया ऊ के स्थान पर वह होता है, तीसरा नियम बताया कि री के स्थान पर अर होता, री के स्थान पर र होता है। इस प्रकार मैंने यहाँ एक संधि टॉपिक था, ये के एक टॉपिक था, उसकी धीरे धीरे मैंने व्याख्या की, लंबी चौड़ी बात वहां पर कर दी मित्रों। और जब लंबी चौड़ी बात कर दी तो वो क्या हो गया, विश्लेषण हो गया उसका, उसकी व्याख्या हो गई। यहाँ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की बात की, अब यानी संधि क्या है यह समझाया, फिर संधि के तीन भेद यदि और विस्तार बताया, और फिर इन तीन भेदों के पुनः उनके और अनेक भेदों की बात की, फिर वहां उदाहरणों की बात की, वहां बहुत सारे नियमों की बात की, अपवादों की बात की। ये मित्रों ये क्या हुआ, विश्लेषण विधि हुई, क्या हुई, विश्लेषण विधि। अब संश्लेषण क्या है मित्रों, कि कोई भी हिंदी का पाठ, कोई गद्य या पद्य हम पढ़ा रहे हैं, गद्य की बात कर रहे हैं, गद्य में कोई बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है, उस कहानी को हम पढ़ा रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको मुंह जवानी हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि एक राजा था, उसमें ऐसा हुआ, उसमें ये हुआ, जो भी हमने कहानी ली, जो भी हमने पाठ लिया, उस पाठ को हमने विस्तार से उसको समझाया। अब समझाने के बाद, फिर समझाने के बाद जो हमारा श्याम फलक होता है, श्वेत फलक होता है, उस पर हम उस इतनी सारी विषय वस्तु को जो एक घंटे में हमने उनको समझाई बच्चों को, उन्हें उस विषय वस्तु को सार के रूप में, यानी उसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लाइनें थी, उन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लाइनों को हमने क्या किया, बोर्ड पर लिख दिया, यानी उसमें महत्वशाली क्या है, उस इतने बड़े विषय को छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया मित्रों, वो हो गया आपका क्या, संश्लेषण विधि हो गई। यानी बड़ी बात को, इतना इतनी चौड़ी जो व्यापक जो बातें थी, जो बहुत बड़ा पाठ था, उसको एक घंटे तक मैंने पढ़ाया और एक घंटे के बाद में लास्ट में पांच मिनट में मैंने सार के रूप में उसको एक जगह एकत्रित करके बच्चों को बताया। वो जो सार के रूप में जो बताया दिलराज जी, वो क्या है, वो आपका संश्लेषण विधि है। अब हम देखते हैं, अब आपके प्रश्न पर आते हैं। रजनी जी सर, आपका अभिनंदन। और आप जैसे गुरुजनों से जब हमें मिलते हैं, आप जैसे जब बुद्धिजीवी विद्वानों के जब कमेंट्स हमारे पास आते हैं, तो तय मान लीजिए सर, हमें बहुत खुशी होती है और बहुत पुनर्वलन मिलता है हमें, और बहुत यूं मान लीजिए कि ऐसी हम आशा भी करते हैं कि आप के इस प्रकार के कमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो हम गदगद हो जाते हैं और फिर बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो पुनः आपका बहुत अभिवादन रजनी जी। सर हिंदी के बहुत बड़े विद्वान है रजनी जी, बहुत बड़ा नाम है, और आप सभी छात्रों का मैं सर से भी परिचय करवाऊंगा, और बिल्कुल सर के पास भी जो है उसको भी मैं ये चाहूंगा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों तक सर का जो ज्ञान है, जो अद्भुत है, उनके पास जो प्रतिभा है, वो आप तक पहुंचे, ऐसी मैं रजनी जी सर से भी प्रार्थना करूंगा। तो आप मित्रों बने रहिए। गोलू जी, आज का टॉपिक क्या है, आशीष जी नुक्ता चिन्ह भी बताएं। ठीक है, ठीक है, चलो दिलराज जी एक बार कमेंट्स करके आप बताइए, क्या विश्लेषण और संश्लेषण विधि के विषय में जो जानना चाह रहे थे, तो क्या आप को मैं समझा पाया क्या, एक बार फटाफट बताइए, फिर मैं अपने विषय पर आऊं। दिलराज जी फटाफट आप बताइए, क्या आप जो पूछ रहे थे उसका उत्तर आपको मिला क्या, संश्लेषण क्या है और विश्लेषण क्या है। ठीक है, थैंक यू देवनारायण जी। मुकेश जी ओके। दिलराज जी आपने जो प्रश्न किया है वो आप उसे संतुष्ट है क्या,
क्या मैं समझा पाया हूं कि आपको, या फिर और कुछ शेष रह गया? दिलराज जी आप यदि लाइव हैं तो मुझे एक बार फटाफट कमेंट्स करके बता दीजिए, फिर मैं अपने विषय पर आता हूं। गोलू जी ये आज एक प्रश्न पूछा गया था विश्लेषण विधि के विषय में, और इसलिए मैंने बीच में टॉपिक हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण ये हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में विषय आ गया था और इसलिए। थैंक यू दिलराज जी, थैंक यू, मैं आपको समझा पाया। ओके गिरिराज जी, हाँ गिरिराज जी, क्या क्या समझना चाहते हैं, कौन सा? मैं नहीं समझ पाया। द्वित्व की बात कर रहे हैं क्या आप गिरिराज जी? द्वित्व की बात कर रहे हैं, तो मैं बता चुका हूं, आप पूर्व वीडियो में आप देखें आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। शायद आपने पहले के वीडियो नहीं देखे, फिर भी आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और अब मैं आगे की आपसे बात करता हूं मित्रों, और चूंकि बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि क्या हाँ गिरिराज जी आप पुराने वीडियो को आप देखें, ठीक है ना, उसमें आप समझ जाएंगे। टिंकू जी जी मेथड की भी लगाएंगे, पर एक साथ सारी नहीं हो सकती, वो भी अपन बात करेंगे। तो आइए मित्रों, अच्छा अभी जो दिलराज जी ने पूछा उसका आंसर मैं क्यों मित्रों, आप बनाओ, आप बताओ। देखें पहला उत्तर एक तो दिया था उन्होंने, वर्ण से शब्द, आप बताएंगे, खुद बताएंगे आप। दूसरा उत्तर दिया उन्होंने, शब्द से वाक्य, और तीसरा दिया था, तीसरा क्या दिया था, वाक्य से पैराग्राफ, और एक था आपका शब्द से वर्ण, एक था आपका शब्द से वर्ण। विश्लेषणात्मक वर्ण, ध्यान रखना वर्ण छोटी चीज है और शब्द बड़ी चीज है, ठीक है, और शब्द से बड़ा क्या है वाक्य, और वाक्य से बड़ा क्या है पैराग्राफ। तो आप बताइए यहां आप चारों में से एक उत्तर दीजिए, विश्लेषण विधि का उदाहरण नहीं है पूछा जाए तो उत्तर क्या आएगा, और यदि पूछा जाए विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है तो आप बताइए कहां होगा। आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन प्रश्न में थोड़ी सी खामी, उसको आप ठीक कीजिए, और जैसे ही अपनी क्लास लास्ट होगी उसके बाद मैं आप ही से पूछूंगा, ये चारों ऑप्शनों को आप ध्यान रखना, विश्लेषण विधि का प्रयोग कहां होता है पहला, दूसरा प्रश्न कहां नहीं होता है, ये दूसरा प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने। चलो तो मैं आगे बात करता हूं मित्रों। प्रांशी ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी का, तीनों सही है बिल्कुल, अजीता जी दीपिका जी शब्द से वर्ण, ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं बात करूंगा, अभी बहुत लंबा टाइम हो जाएगा मित्रों। मैं अपने विषय पर आता हूं, मैं लास्ट में जैसी अपनी क्लास समाप्त होगी इस प्रश्न पर फिर डायरेक्ट यहीं आपसे रूबरू होऊंगा, जब तक आप विचार कर लीजिए कि कौन सा इन चारों में से, ध्यान रखना प्रश्न क्या है, दो प्रश्न मैंने पूछे हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग इनमें से किसका होता है, दूसरा किसका नहीं होता है, ये दो दो प्रश्न। चलो मित्रों आप सभी का जी बहुत सही उत्तर आए हैं आपके, बहुत सारों के उत्तर आए हैं। चलो मैं आगे बात करूंगा, चलो तो आ जाइए। अब मैं पुनः आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं।
और यदि आप नए हैं, आज ही आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करें, पर लाइक तभी करें उस स्थिति में जब आपको पसंद आए तो, और पसंद नहीं आए तो नो, पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। थैंक यू मित्रों। अब मैं आज बात करूंगा आपसे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण क्या। हमें पूर्व क्लास में हम देख चुके थे, बात हुई थी हमारे वर्ण की, बात हुई वर्ण कहते किसे, ये चर्चा हुई। वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, तो स्वरों की बात हुई, व्यंजनों की बात हुई, उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण हमने किया, व्यंजनों का भी हमने देखा, व्यंजनों को किस किस व्यंजनों को क्या क्या कहा गया ये बात हमने की, हमने रे के प्रकार भी देखे, हमने संयुक्त अयोगवाह ये सारी बातें हमने की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा अवशिष्ट रह गया था इसलिए उस विषय को मैं पूरा करता हूं मित्रों। आज मैं बात करता हूं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से हम करेंगे, एक हम बात करेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर और दूसरी हम बात करेंगे उच्चारण स्थानों के आधार पर। सबसे पहले मैं प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करना चाहूंगा कि प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। देखें, देखें सबसे पहले मैं बात करता हूं मित्रों आपसे कि प्रयत्न विधि के आधार पर, फर्स्ट अब पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सर ये प्रयत्न क्या है, या प्रयत्न विधि के आधार पर जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो पहले ये हमें समझाइए कि प्रयत्न क्या है। देखें मित्रों, प्रयत्न की हम बात करें, इसके शब्द की बात करें, तो प्रयत्न का मतलब आप जानते हैं, प्रयत्न शब्द का अर्थ है या पर्याय कोशिश होता है, या हम कह सकते हैं प्रयास, या हम कह सकते हैं यत्न, ये प्रयत्न कह दो, कोशिश कह दो, प्रयास कह दो, यत्न कह दो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ प्रयत्न क्या करना होगा, यहाँ कोशिश क्या करनी होगी, यानी यहाँ जब हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तब प्रयत्न शब्द किस उद्देश्य से यहाँ पर आया है, तो मैं बात करता हूँ मित्रों। देखें, जैसे हमने वर्णों की बात की और वर्णों में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, अब हम बात करते हैं ये स्वर व्यंजन कहाँ से आए, निकले कहाँ से। हम ये भी जानते हैं कि इनके उत्पत्ति स्थल क्या हैं, उत्पत्ति स्थल मतलब उच्चारण स्थान, यानी इनके सबके अपने अपने, स्वरों के भी अपने स्थान होते हैं, व्यंजनों के भी अपने स्थान होते हैं, यानी ये उत्पत्ति स्थल, यानी कहां से इनकी उत्पत्ति हुई उनकी हम बात करते हैं मित्रों, तो वो उत्पत्ति स्थान जहां से स्वर और व्यंजन निकले उनको हमें व्याकरण शास्त्र की भाषा में उच्चारण स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान। तो व्यंजनों के भी अपने उच्चारण स्थान होते हैं और स्वरों के भी अपने उच्चारण स्थान होते हैं, तो ये उच्चारण स्थानों से ही ये वर्ण निकलते हैं, स्वर भी और व्यंजन भी। अब आप बताइए, देखें हम जानते हैं मित्रों कि बहुत तेज हमें भूख लगी हुई है और जो हमारे पसंदीदा पकवान जो है वो पकवान सामने रखे हुए हैं, आपके पसंदीदा पकवान सामने है और भूख भी तेज लगी हुई है, तो फिर बताइए मित्रों फिर क्या करना पड़ेगा। फिर वहां जो आपके थाली में रखा हुआ रसगुल्ला वो अपने आप चल के आएगा और आपसे कहेगा, भाई साहब मैं आ रहा हूं, थोड़ा मुंह तो खोलिए, तो आप मुंह खोल देंगे और वो रसगुल्ला आपके मुंह में आ जाएगा। ऐसा क्या मित्रों, बताइए आप, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यानी हमारे सामने थाली रखी है, भूख लगी हुई है, फिर भी अपने आप तो वो भोजन चल के हमारे मुंह में नहीं आएगा, यानी वहां सब कुछ बना करके तैयार है, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, यानी अपना हाथ तो हमें चलाना पड़ेगा, हाथ से उस रसगुल्ले को उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। तो वही बात, यानी जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि, उन उच्चारण स्थानों पर ये वर्ण रखे हुए है। अब वहां से निकालना, मुंह और नासिका के द्वारा जब उनको बाहर निकाला जाता है और
जो श्रोता के कानों तक वो ध्वनि पहुंचती है, तो यहां से निकालने का कोई न कोई कोशिश तो करनी पड़ती है। तो जो कोशिश है उन वर्णों को उच्चारण स्थानों से निकालने में जो कोशिश होती है, जो प्रयास हमें करना होता है, जो यत्न हम करते हैं मित्रों, उस कोशिश को, उस यत्न को, उस प्रयास को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? प्रयत्न बोला जाता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान से वर्णों को उच्चारित करने के लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है, उस प्रयास का नाम ही हमारे यहाँ हिंदी भाषा के जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं तो वहां उसका नाम प्रयत्न हो जाता है मित्रों। तो यहाँ मैं उसी प्रयत्न की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार का प्रयत्न हमें करना पड़ता है। तो वो प्रयत्न विधि के आधार पर मैं व्यंजनों का वर्गीकरण आपके सामने रखता हूं। चलो अब कमेंट्स की ओर ध्यान नहीं दे मित्रों, मैं देखें, ये मेरा शुरू से ही मेरी आदत रही है कि मैं एक भी छात्र को असंतुष्ट नहीं रहने देता, ठीक है। इसलिए अभी आप कमेंट्स पर ध्यान ना दें, ग्राजी में बहुत तरीके से आपको बताऊंगा। आप एक बार अभी ये क्लास लें, उसके बाद में क्लास यहाँ से तब खत्म करूंगा जब मैं इस विषय पर दोबारा आऊंगा, आप निश्चिंत रहें। चलो तो मैं बात आप समझ गए होंगे मित्रों प्रयत्न क्या है, समझ गए क्या? हाँ, अब जब तक मैं साफ करूं बोर्ड तब तक आप कमेंट्स कर सकते हैं, यदि समझ गए तो यस और नहीं समझे तो नो। तो देखें प्रयत्न विधि के आधार पर, अब देखें प्रयत्न विधि के आधार पर हम दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे मित्रों। प्रयत्न विधि के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, एक हम करेंगे श्वास वायु, श्वास वायु या प्राण वायु कह दो या प्राण तत्व कह दो, मित्रों प्रयत्न विधि के आधार पर भी हम दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, एक श्वास वायु के आधार पर और दूसरा घर्षण के आधार पर। तो सबसे पहले मैं पहला वर्गीकरण लेता हूं मित्रों आपके सामने, श्वास वायु या प्राण वायु या प्राण तत्व के आधार पर। देखें कि जी जी यस ठीक है, तो श्वास वायु यानी जो वर्णों का उच्चारण होता है उसमें कितनी वायु लगती है, कितनी श्वास लगती है, प्राण तत्व कितना यानी उसमें कितना अधिक श्रम करना पड़ता है, तो वो जितनी अधिक वायु निकलती है तो किसी वर्ण में तो कम वायु निकलेगी, किसी में अधिक निकलेगी, किसी में कम ताकत का प्रयोग होगा, किसी में अधिक ताकत का प्रयोग होगा। तो ये श्वास वायु कितनी निकलती है उस आधार पर हम बात करें तो ये दो प्रकार से हम विभाजन करेंगे श्वास वायु के आधार पर भी, और वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, तो वही मैं बात करूंगा आपसे। एक आपका अल्प प्राण और दूसरा आपका महाप्राण। तो आज बात करेंगे मित्रों अल्प प्राण और महाप्राण की। इसके बाद ना क्योंकि ये टॉपिक वर्गीकरण हुआ तो फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो बात करेंगे मित्रों अल्प प्राण और महाप्राण। देखें बहुत सामान्य और यहां से प्रश्न प्राय पूछ लिए जाते हैं, ये टॉपिक हिंदी में भी है, ये संस्कृत में भी है, संस्कृत में मैं बता चुका हूं, हिंदी में और हम देख लेते हैं, बात वही है। अल्प प्राण, प्राण की बात मैंने अभी अभी की, प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब होता है शक्ति, प्राण का मतलब होता है बल, प्राण का मतलब होता है ताकत। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें अल्प, अल्प का अर्थ होता है कम, और महा, महा का अर्थ होता है अधिक। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कम ताकत का प्रयोग होता है, कम वायु निकलती है, जबकि कुछ ऐसे हैं
जिनमें बहुत अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, जिसमें बहुत अधिक वायु का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे वर्ण हैं। तो इसी प्रकार इन वर्णों को यहाँ दो प्रकार से हमें विभाजन करना है कि कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनमें कम ताकत का प्रयोग होगा और कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनमें अधिक ताकत का प्रयोग होगा। ठीक है मित्रों, कम ताकत का प्रयोग किसमें होगा और अधिक ताकत का प्रयोग किसमें होगा, ये हम बात करते हैं। देखे अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेजी की वर्णमाला के माध्यम से ये बताना चाहूंगा आपको कि अंग्रेजी में जैसे हम बात करें कि किसी भी वर्ण को ले लेते हैं, हम किसी भी लाइन को ले लेते हैं, के, खे, गे, घे और ङे। मित्रों मैं बात कर चुका था आपसे, जब व्यंजन आपने पढ़े तब मैंने बताया था वर्ग का पहला, और वर्ग का पहला कौन सा होता है, प्रत्येक पांच वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कै चै टै तै पे, दूसरे की बात करूंगा तो खै चै टै तै पे, तीसरे की बात करूंगा तो गे जै डै दे बे, चौथे की बात करूंगा घे जै डै दे बे और पांचवें की बात करूंगा मित्रों तो ङे ञे ञे ने में। तो यहां मैंने कै खे गे ङे ञे, ये कै वर्ग के पांचों वर्ण रख दिए। इनको अंग्रेजी में किन वर्णों से संकेतित किया जाता है देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं, और ख किससे बनाते हैं, के एस से, और घ किससे बनाते हैं मित्रों, जी से, और घ किससे बनाते हैं, जी एस से, घ किससे बनाते हैं, एन से। क ख घ घ ङ, यहां हमने देखा कि के से क बना, के एस से ख बना, जी से घ बना, जी एस से घ बना और एन से ङ बना। अब मित्रों मैं कतई नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बताऊंगा, बिल्कुल राइट उत्तर आपका, बिल्कुल राइट है। थैंक यू। हाँ सब इंटेलिजेंट हैं आप, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलो चलो खैर, और कुछ छात्र भी जुड़े हुए हैं हमसे, नए छात्र जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ लिया था ये सारी चीजें, तो देखें अब आपको ध्यान ये देना है कि कम शक्ति किसमें लगती है और अधिक शक्ति का प्रयोग किसमें होता है। एक तो आप अकेले के को बोलो, के में कम लगेगी, और के एच दो बोलने पड़ रहे हैं यहां पर। अब दो वर्ण बोलोगे के एच तो अधिक शक्ति का प्रयोग होगा, और जी अकेला है कम शक्ति का प्रयोग होगा, जी एच दो बोलने पड़े तो अधिक शक्ति का प्रयोग होगा, और एन यानी एक ही है तो कम शक्ति का प्रयोग होगा। तो आप यहां छटनी कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनमें कम शक्ति का प्रयोग हुआ और कौन से ऐसे हैं जिनमें अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। मित्रों तो आप देखेंगे अल्पप्राण में हमने देखा ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो हम जान रहे हैं ये के जी और एन ये तीनों एक एक हैं, इसलिए एक किसमें आएगा अल्पप्राण में, एक तीन और पांच आ जाएंगे मित्रों, और फिर महाप्राण में क्या आ जाएंगे, दूसरा और चौथा। एक का मतलब आप समझ रहे होंगे कैचे टे ते पे, तीन का गेजे टे ते पे, पांचवा ङे ञे ञे ने में। उसी प्रकार खेपे छठे थे ये दो कम, खेचे टे ते पे ये दो है, और गेजे टे ते पे ये चार है। तो आपने देखा 25 व्यंजनों को तो हमने डिवाइड कर लिया, विभक्त कर लिया, अभी हमारे पास अंतस्थ बचे और ऊष्म बचे, उनकी भी मैं बात आपसे करता हूं। देखें उनकी बात हम करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण में। अंतस्थ जानते हैं ये रे ले वे, ये अंतस्थ है मित्रों, और ऊष्म की भी आप, ऊष्म भी आप जानते हैं, और ऊष्म में ये वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं। अब आप बताइए मुझे, हमने ऊष्म पढ़ा, ऊष्म को क्या कहा मित्रों, संघर्षी भी कहा था। आप देखो वीडियो में आपने देखा होगा, पूर्व क्लास में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अंतस्थ को हमने क्या कहा था मित्रों, संघर्षहीन कहा था, अंतस्थ को संघर्षहीन कहा था, और ऊष्म को क्या कहा था, संघर्षी कहा था। क्यों क्यों कह दिया भाई संघर्षी, बात हुई थी हमारे यहां पर कि जब इन्हें वर्णों का उच्चारण होता है तो हमारे जो उच्चारण अवयव हैं, हमारे जो जो उच्चारण तंत्रियां हैं, उनमें क्या होता है मित्रों, आपस में क्या होता है, संघर्ष होता है, घर्षण होता है। जब संघर्ष होता है तभी तो ऊष्मा निकलती है, तभी तो गर्म वायु निकलती है, इसलिए हमने क्या कहा है इनको, संघर्षी। जबकि
ये बेचारे हैं दोनों के मध्य में थे, तो मैं बात कर चुका था इनको क्या कह दिया, संघर्षहीन। अब बताइए आप कि जिसमें अधिक ताकत होता है, ताकत होती है तो वो संघर्षी है, या जिनमें कम ताकत होगी वो संघर्षहीन है, बताइए आप। यानी जिसमें अधिक शक्ति होगी वो संघर्षी है, और जिनमें कम शक्ति का प्रयोग होता होगा वो संघर्षहीन है। तो यानी यानी जिसमें ताकत होती है वही गर्म वायु निकलती है, वही घर्षण होता है, वही संघर्ष होता है। और इसलिए मित्रों ज्यादा ताकत यानी महाप्राण यानी अधिक शक्ति का प्रयोग, तो अधिक शक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, संघर्षी में होगा, और कम का प्रयोग कहाँ होगा, संघर्षहीन में होगा। तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं हम क्या कि यहाँ अंतस्थ तो यहाँ आ जाएंगे और ऊष्म यहाँ आ जाएंगे। और इसी के साथ आपका जो प्रयत्न विधि के आधार पर पहला वर्गीकरण जो है वो हमने देखा। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने, हालांकि संस्कृत में अल्पप्राण और महाप्राण दोनों में स्वरों का वर्गीकरण नहीं हुआ है मित्रों, क्योंकि वहां उदात्त अनुदात स्वरित ये तीन प्रकार के स्वर और थे, उदात्त अनुदात स्वरित, इसलिए स्वरों को वहां ले जाया गया। लेकिन हिंदी में चूंकि उदात्त अनुदात स्वरित नहीं होते हैं इसलिए स्वरों की बात यहाँ हुई है। खैर अब ध्यान दें, सेकंड ग्रेड में भी एक प्रश्न आया था और तो वहां भी वो प्रश्न हालांकि डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसके उत्तर में अल्पप्राण भी था और घोष भी था, इसलिए वहां से हटा दिया गया। पर फिर भी आप ध्यान रखें, यदि स्वरों की बात आपसे की जाती है तो स्वर आपको कहाँ रखने हैं, स्वर आपको यहाँ पर रखने हैं, यानी स्वर कहाँ रखने हैं, अल्पप्राण में आपको स्वर रखने हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आपका पहला जो वर्गीकरण है श्वास वायु के आधार पर या प्राण तत्व के आधार पर, ये पहला वर्गीकरण आपका कंप्लीट होता है। दूसरे वर्गीकरण की और मैं मित्रों आपसे बात करता हूँ, हालांकि मैं संस्कृत में आपको बता चुका हूँ वही है, अलग नहीं है, और आप ऑफलाइन में भी आपने ये सारी चीज पढ़ी आपने, फिर भी चूंकि ये टॉपिक है आधा अधूरा रहना ठीक नहीं है, इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं, थोड़ी स्पीडली कर लेते हैं यदि आपकी ऐसी स्थिति है। मुझे पता है कि ऐसा होता नहीं है प्राय कि 35-40 तक जाकर के लाइव 35 तक आ गए, 40 तक आ गए और फिर 26 रह गए, यानी ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है इसलिए आपकी रुचि थोड़ी कम है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ इस टॉपिक को, इसके बाद मैं अगली कथा आपसे कहूंगा। ठीक है मित्रों, देखें हमने पहला श्वास वायु और प्राण तत्व के आधार पर बात की थी, दूसरा और आप नोट कर लीजिए कि घर्षण या नाद के आधार पर। और यहां पर भी मित्रों दो प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे, एक हम करेंगे एक अघोष की बात करेंगे और दूसरा घोष की बात करेंगे, घोष कह दो या इसको सघोष कह दो, घोष या सघोष एक ही बात है, और एक अघोष, यानी अघोष और घोष की हम बात करते हैं मित्रों। यहां पर बिल्कुल आपके उत्तर मुझे पहले ही मिल गए, जी सज्जन जी, समस्त स्वरों को हम अल्पप्राण में ही रखेंगे। यदि यहाँ इन दोनों में से यदि हमें पूछा जाता है कि स्वर किस में आएंगे तो स्वर मित्रों अल्पप्राण में ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अघोष और सघोष की बात करते हैं, यानी जिसमें घर्षण नहीं होता है, जिसमें नाद नहीं हो, जिसमें जो जब इन वर्णों का उच्चारण होता है, कुछ वर्णों का उच्चारण होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कंपन सा होता है, थोड़ा घर्षण सा होता है, थोड़ा सा गुंजायमान सा होता है। तो यदि ऐसा हो तो उनको हम घोष के अंतर्गत रखते हैं, और यदि कोई गुंजायमान नहीं हो, कोई घर्षण नहीं हो, कोई ध्वनि कंपित ना हो तो वह अघोष के अंतर्गत आता है मित्रों। अब आपको ज्यादा नहीं, आप दोनों में से एक भी आपको ध्यान रह गया तो दूसरा अपने आप ध्यान रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या कि एक दो तीनों से, यानी अघोष में क्या आता है मित्रों, पहला दूसरा और तीनों से आएंगे, वर का पहला दूसरा और तीनों से। हालांकि इसको मैं संस्कृत के वीडियो में भी बता चुका हूं और यहाँ ऑफलाइन में भी आपने देखा, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा, फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि अगला पर संस्कृत का टाइम भी होने वाला है और फिर एक प्रश्न और गिरिराज जी का शेष है उसकी भी मैं बात करके जाऊंगा।
तो अगोस्त, अगोस्त में क्या पहला दूसरा और तीनों से, ये किस में आएंगे मित्रों? अगोस्त में आएंगे, और घोष अगोस्त में जो बच गए वो उसमें आ जाएंगे। यानी पहले का मतलब खेचट है तेपे, दूसरे का मतलब खेचट है तेपे। तो अब यहाँ क्या आएंगे मित्रों, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा। यहाँ उसमें उसमें से तीन तो आ गए थे, है बच गया था, और फिर आगे क्या है अंतस्त, और अंतस्त आप जानते हैं मित्रों अंतस्त चार होते हैं। यह जी आप देख नहीं पा रहे होंगे, तो यही मैं बात कर रहा था, जब ये इनको छोड़ करके शेष वर्ण यानी तीसरा चौथा और पांचवा इधर है, और इधर क्या बचा फिर अंतस्त। ये आपके घोष और सघोष में आ गए। फिर बात करते हैं स्वरों की, बात करते हैं मित्रों, तो स्वरों को हम कहां रखेंगे, समस्त स्वरों को कहां रखेंगे, हमें समस्त स्वरों को घोष और सघोष में रखेंगे। अभी आपका हो सकता है अभी प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, स्वर है, स्वर है, और वहां ऑप्शन में आपके अल्पप्राण भी था मित्रों, और ऑप्शन में आपके घोष भी था, और एक अघोष भी था, और एक महाप्राण भी था, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों ही विकल्प में थे, और उस समय छात्र बहुत कंफ्यूज हुए और बहुत है कि अल्पप्राण करे घोष करे, घोष करे अल्पप्राण करे। हालांकि मित्रों ये भी सही था और ये भी सही था, और इसी वजह से उस प्रश्न को, वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था, उसको डिलीट किया गया मित्रों। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि दोनों में से एक ही आना है, अल्पप्राण आएगा तो अल्पप्राण करना है और घोष आना है तो घोष करना है, दोनों में से एक को ही, क्योंकि पहले तो इसका उत्तर ये मान लिया गया था, लेकिन फिर पुनः अगली की में ये डिलीट कर दिया गया और दोनों को ही सही करार दिया गया, इसलिए वो प्रश्न हटा दिया गया। इसलिए आप ध्यान रखें, स्वर घोष में भी होते हैं और स्वर अल्पप्राण में भी होते हैं। और इसी के साथ जो आपका पहला प्रयत्न विधि के आधार पर जो वर्गीकरण था वो समाप्त होता है मित्रों, समाप्त होता है। बिल्कुल भरत जी, तीन चार पांच ईयर रेले हुए है, बिल्कुल सही आपका भरत जी, बिल्कुल सही दीपिका जी, समस्त स्वर अल्पप्राण और घोष होते हैं। जी 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 बिल्कुल सही सज्जन जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ सज्जन जी, अल्पप्राण में होते हैं सारे स्वर, समस्त स्वर अल्पप्राण में होते हैं। जी जी चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया, और मुझे लगता है बीच में संस्कृत की क्लास और आगे आपकी रहने वाली है, इसलिए आज मैं प्रयत्न विधि के आधार पर ही आपका वर्गीकरण करवाऊंगा। कल कल देखे मित्रों, मैं उच्चारण स्थान के आधार पर, अब ऐसा नहीं है कि कंठ के विषय में कंठ तालु मूर्धा, नहीं, मैं बात उच्चारण स्थान में भी करूंगा। कंठ के भी दो भेद होते हैं, एक कोमल तालु होता है, कठोर तालु होता है, तो मैं बात करूंगा आपसे कोमल तालु से कौन से उच्चारित होते हैं, कठोर तालु से कौन से उच्चारित होते हैं, अली जिब्बीय कौन से होते हैं, मैं बात करूंगा काकल्य कौन से होते हैं, मैं बात करूंगा जिब्बा मूल्य कौन से होते हैं, मैं बात करूंगा वर्ष से कौन से होते हैं। तो ऐसे हमें जो मूल उच्चारण स्थान है जो संस्कृत में आपने पढ़े, उनके भी यहाँ पर भेद होते हैं मित्रों, तो वो भेद भी मैं बताऊंगा, उच्चारण स्थानों बताऊंगा मैं, जो आगत वर्ण है जो क ख ग ज फ वो कहाँ कहाँ होते हैं, कौन से उच्चारण स्थान उनका रखे हम, तो वो मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। कल मैं उच्चारण स्थानों की बात करूंगा, अभी आगे संस्कृत की क्लास लेनी है, प्रत्यय हमें पढ़ने हैं, उससे पहले मैं आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न की अब मैं बात करता हूँ आपसे, आपके सामने हूँ, और वो प्रश्न बस थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दिया गया था। जी जी ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है तो जी गिरिराज जी ले लीजिए। ठीक है
अभी आप में से किसी ने कहा नुक्ता वर्णों के विषय में भी बताइए सर। देखें वैसे सामान्यतः सामान्य प्रकार से तो मैं नुक्ता वर्णों की बात कर चुका था। क ख ग घ फ इन वर्णों की बात मैंने की थी आपसे। क ख ग ज और फ इनकी बात मैंने की थी। मैंने कुछ शब्द भी बताए थे जिनमें क नुक्ता वाला भी होता है और दूसरा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, तो इस प्रकार की बात मैंने की थी। फिर भी आपको विस्तार से यदि नुक्ता वर्णों के विषय में जानना है तो फिर किसी दिन मैं नया वीडियो बनाऊंगा या किस दिन मैं आपके सामने लाइव आऊंगा तब मैं विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। अभी तो वो प्रश्न जो था वो प्रश्न की मैं बात करता हूँ और उसमें मैंने आपको संश्लेषण और विश्लेषण विधि, हालांकि मैं बहुत बहुत ढंग से बहुत सारे उदाहरणों से आपको समझाने वाला हूँ आगे संश्लेषण विधि क्या है और विश्लेषण विधि क्या है बहुत ढंग से, हालांकि मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से तो मैं समझा चुका था। अब मैं बात करता हूँ आपके प्रश्न की। और प्रश्न में पूछा गया था, आपको बताएं जिसने ये प्रश्न पूछा वो हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ रखता है, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत यूं मान लीजिए हिंदी के विद्वान है, बहुत अच्छा हिंदी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा था तो मैं वही बात कर रहा हूँ। वो क्यों पूछा गया था? क्योंकि वो प्रश्न में त्रुटि थी इसलिए प्रश्न पूछा गया। तो वो त्रुटि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के द्वारा वो त्रुटि, और आप लोगों ने वो त्रुटि भी सही कर दी, यानी बात थी वहां पर कि विश्लेषणात्मक विधि में, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। अब देखें मित्रों, मैंने कहा आपसे वहां क्या क्या था। एक तो मैंने कहा एक तो वर्ण से शब्द, दूसरा था शब्द से वाक्य, तीसरा था वाक्य से पैराग्राफ, और चौथा था, चौथा क्या था मित्रों? शब्द से वर्ण था क्या? ये चार थे शायद। जी हाँ दिलराज जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, ये चार थे। अब देखें यहां पर कहा गया विश्लेषणात्मक विधि, यानी आप ये देख लीजिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना वो विश्लेषणात्मक विधि है, सूक्ष्म से छोटी चीज से बड़े की ओर जाना वो विश्लेषणात्मक विधि है। अब देखें आप, मैं कहूं कि देखें शब्द शब्द है कोई भी, जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई शब्द आ गया, ये रमेश है, ये आपका शब्द है, ये क्या है? शब्द है। अब इसको हम खोलते हैं, इसको हम खोलें शब्द से किसकी ओर जाना है? वर्ण की ओर। अब ये ध्यान रखना, अब ये तीनों तीनों एक तरफ है और ये अकेला एक तरफ है। देखें कई प्रश्नों का उत्तर आपको आपके मनोवैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर भी उत्तर देने होते हैं। आप जानते हैं तीनों एक साइड है, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। यानी मैंने आपको यहाँ सोपान बताए थे और मैंने कहा था कि वर्ण से क्या बना? वर्ण से शब्द बना, वर्ण से शब्द बना, और शब्द से क्या बना? वाक्य बना, और वाक्य से क्या बना? पैराग्राफ बना, रचना बनी, ठीक ना? पैराग्राफ है नहीं, रचना। अब देखें आप, वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, और वाक्य से क्या बना? पैराग्राफ बना, ठीक है ना? ये तीनों तीनों आपके एक और हैं और ये चौथा जो है ये आपके अलग है, यानी तीन एक साइड है और एक एक साइड है। यदि यदि ये उत्तर सही है तो तीनों सही है, और यदि ये सही है तो फिर ये तीनों गलत है। यानी ये तो तय है, या तो उत्तर, प्रश्न बाद में पढ़ना, या तो उत्तर ये होना चाहिए या ये तीनों सही होने चाहिए, आप बताइए कौन सा करें। वर्ण से बात करूं मैं, वर्ण कई वर्ण देखना आप, कई वर्ण, जैसे यहां मैंने रमेश की बात की थी मित्रों,
रमेश से मैं समझाता हूं, ये लिख दिया आपने, ये समझ में आ गया, बन से सब सबसे वाक्य। अब देखें आप रमेश, अब रमेश क्या है, एक शब्द है, रमेश क्या है मित्रों, शब्द। अब इसको हमें खोलना है, किस में खोलना है, वर्ण में, शब्द से वर्ण, वर्ण में खोलना है। खोलो इसको, रे फिर ए फिर मे फिर ए फिर से और फिर ए। रमेश को हमने खोला तो इसकी व्याख्या हुई कि नहीं हुई, विश्लेषण हुआ कि नहीं हुआ, विश्लेषण हुआ। रमेश एक शब्द था, ये इतना सा था, छोटा था, और इस छोटे को क्या किया हमने, टुकड़े करके बड़ा कर दिया, टुकड़े करके हमने बड़ा कर दिया। यानी यहाँ शब्द कितना, एक, और वर्ण कितने, छह। यहाँ एक था और यहाँ कितने, छह। यानी आप बताइए मुझे, रमेश के जब टुकड़े किए तो संश्लेषण हुआ या विश्लेषण हुआ, फटाफट जवाब दीजिए, संश्लेषण या विश्लेषण। रमेश एक शब्द था और उसके टुकड़े किए हमने, रे ए मैं ए से ए, यानी इसको और थोड़ा व्याख्यायित कर दिया, अलग अलग टुकड़ा कर दिया, बड़े से बड़े में छोटे के टुकड़े होते हैं या छोटे के बड़े में टुकड़े होते हैं, बताइए फटाफट। जी देखें, यही तो हमें शिक्षण विधियों में हमें लगता है क्या है, हम इनको समझते नहीं है, हम इनको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम क्या है कि बस शब्दों पे आके और संश्लेषण क्या है, सार और विश्लेषण समझते नहीं है ना हम। क्यों भाई मुझे बताओ ना, ये क्या विश्लेषण नहीं है क्या, ये शब्द का टुकड़े किए तो विश्लेषण नहीं है क्या? अब मैं बता दीजिए आप, देखो मैं बहुत 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 सीधे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, अभी मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं तो आप समझें। अब देखें, मैंने कहा वर्ण से शब्द, मैंने क्या कहा, वर्ण से शब्द, ये क्या है, ये इतने सारे वर्ण हैं और इनसे मैंने एक शब्द बनाया और क्या बन गया, रमेश। बताइए ये विश्लेषण है क्या इसका या संश्लेषण है? ये संश्लेषण विधि है, बड़ी बात को छोटा कर दिया, यानी इतने सारे वर्णों को मिला करके हमने ये एक शब्द बना दिया, ये संश्लेषण है, विश्लेषण नहीं है। क्लियर? और देखें आप देखें, इसलिए वर्ण से शब्द नहीं। अब देखें शब्द से वाक्य, मैंने शब्द लिखा रमेश, एक शब्द, दूसरा लिखा घर, तीसरा लिखा जाता और चौथा लिखा है। अब मैंने इन चारों, एक दो तीन चार, चार शब्द थे और चारों को मिला करके और मैंने लिख दिया रमेश घर जाता है। ये वाक्य कितना हुआ, वाक्य एक हुआ, शब्द कितने थे, शब्द चार हैं, शब्द चार हैं और यह वाक्य कितना है, एक, वाक्य एक है। तो बताइए संश्लेषण हुआ कि नहीं हुआ, यह संश्लेषण हुआ, इसलिए रॉन्ग। वाक्य से पैराग्राफ, मैंने एक वाक्य लिखा, एक वाक्य लिखा राम घर जाता है, एक वाक्य, दूसरा वाक्य लिखा घर जाकर पढ़ता है, तीसरा वाक्य लिखा पढ़कर खाता है। ये तीन वाक्य हो गए मित्रों, तीन, और तीनों को जोड़ करके मैंने एक पैराग्राफ बना दिया एक, तो तीन का कितना हुआ, एक। बताइए विश्लेषण हुआ कि संश्लेषण हुआ, ये संश्लेषण हुआ मित्रों, इसलिए इनमें क्या कि हम गलती, और ये गलती आपकी होने नहीं दूंगा, शिक्षण विधि में कहीं समस्या नहीं आने दूंगा, बहुत तरीके से हम बात करेंगे। अभी मैं दूसरी विधि आपको बताता हूं तब आपके समझ में आएगी, यानी यहां उत्तर कौन सा आएगा, शब्द से वर्ण, क्योंकि एक शब्द था और शब्द के हमने टुकड़े किए, व्याख्या की वर्णों में, इसलिए ये क्या हुआ, ये आपकी विश्लेषण विधि हो गई और यहां उत्तर आएगा चार। ठीक है मित्रों, इसलिए पहली बात तो मनोविज्ञान आपका कहता ही है कि अकेला ये नहीं हो सकता, ये होता तो ये भी होता, ये नहीं होता तो ये, दोनों होते तो ये भी होता, ये तीनों तो एक तरफ जाते हैं उत्तर, यही तो एक अलग है, यानी यहाँ उत्तर आता है चार। वो कैसे आता है फिर मैं आपको समझाता हूँ, दूसरी विधा से मैं समझाता हूँ संश्लेषण और विश्लेषण क्या, समझे आप।
मैंने आपको बताया था कि संश्लेषण और दूसरी विधि आप देख रहे थे विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण में क्या? संश्लेषण में यानी बड़ी बात होती है और इस बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, ये आपका संश्लेषण है। और विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण में छोटी बात होती है और छोटी बात को बड़े रूप में व्याख्या में तब्दील करना, बड़ा बनाना, वो आपकी विश्लेषण है। अब देखें, अब यहां कुछ शब्द है हमारे, एक देखें, मैं एक एक शब्द की बात करता हूं। मैंने कहा वर्ण, वर्ण से क्या बनता है? शब्द। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। मैं चारों शब्दों की बात करता हूं, वाक्य, और फिर ये क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है मित्रों, यही आपका प्रश्न था। अब देखें, आप छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा इन चारों में से, चारों में से सबसे छोटा कौन सा है? पैराग्राफ, वाक्य, शब्द और वर्ण। यानी ये सबसे छोटा है। क्या है ये? सबसे छोटा। और पैराग्राफ यहां पर क्या है? सबसे बड़ा। पैराग्राफ क्या है? सबसे बड़ा। ध्यान से समझ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। तो मैंने कहा सबसे बड़ा क्या है? पैराग्राफ। और सबसे छोटा क्या है? वर्ण। आप मुझे बता दीजिए, छोटों से मिलकर के बड़ा बनता है या बड़ों से छोटा? यदि देखना, समझना आप, यदि पैराग्राफ एक है, एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में वाक्य कितने होंगे? एक से अधिक, यानी कम से कम चार वाक्य। तो एक पैराग्राफ एक था, यहां कितने वाक्य हुए? चार। कम से कम एक, एक से अधिक वाक्य होंगे, एक दो तीन चार। तो ज्यादा पैराग्राफ बड़ा कि वाक्य ज्यादा? पैराग्राफ ज्यादा। पैराग्राफ तो एक था, लेकिन वाक्य कितने हुए? वाक्य उससे अधिक हुए, एक से अधिक वाक्य हुए। एक वाक्य में कई शब्द होते हैं, एक वाक्य में क्या होते हैं? कई शब्द होते हैं। यहाँ कई वाक्य होते हैं, एक पैराग्राफ में कई वाक्य होते हैं, और एक वाक्य में कई शब्द होते हैं, और एक शब्द में कई वर्ण होते हैं। तो आप बताइए, यदि पैराग्राफ को आप, पैराग्राफ को आप वाक्यों में तोड़ोगे तो ये आपका विश्लेषण है। नीचे ऊपर से चलोगे ना तो ये आपका क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण क्या है कि विश्लेषण नंबर एक क्या? पैराग्राफ से वाक्य, ये आपका क्या हुआ? ये विश्लेषण हुआ। दूसरा, वाक्य से शब्द, ये आपका विश्लेषण हुआ, वाक्य से शब्द। तीसरा, शब्द से वर्ण, ये आपका क्या हुआ? ये तीनों के तीनों आपके क्या हुए? विश्लेषण हुए। और संश्लेषण की बात करेंगे तो संश्लेषण उल्टा हो जाएगा मित्रों, संश्लेषण में उल्टा हो जाएगा। संश्लेषण में क्या हो जाएगा? उल्टा। और संश्लेषण में क्या होगा? नंबर एक, संश्लेषण की बात करें तो नंबर एक वर्ण से शब्द, वर्ण से शब्द। और क्योंकि कई वर्णों से, वर्ण बहुत सारे हैं और उनसे एक शब्द बना तो संश्लेषण हुआ। और कई शब्दों से, कई शब्द से मिलकर के एक वाक्य बना तो बहुत सारे शब्द थे और वाक्य कितना? एक। इसलिए वो क्या हुआ? संश्लेषण। और तीसरा, कई वाक्यों से, बहुत सारे वाक्य थे और कई वाक्यों से मिलकर के एक पैराग्राफ बना, एक रचना बनी, तो ये क्या हुआ? वाक्य से पैराग्राफ। यानी मित्रों, ये तीनों जो विकल्प हैं, ये तीनों संश्लेषण विधि के हैं और ये तीनों विश्लेषण विधि के हैं। अब आप लगा लीजिए वहां पर कौन सा। और मैं मानता हूं आपके ढंग से संश्लेषण और विश्लेषण समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और आपके जो भी, आपके जो देखें, करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं, और आप जो अपेक्षा मुझसे रखते हैं वो अपेक्षा पर खरा उतरूं। तो मित्रों, क्या आप फटाफट मुझे बताइए, फटाफट बताइए मुझे, दिलराज जी, गिरिराज जी,
आप फटाफट बताइए, क्या अब आपके संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधि क्लियर हुई क्या? पूजा जी आपने भी गलत बताया था, रोंग आंसर दिया था, बहुत सारे छात्रों ने गलत उत्तर दिया था, और इसलिए मैंने उस समय रोक दिया था ये प्रश्न को कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उसका कारण यही था क्योंकि आप बहुत सारे गलत उत्तर देंगे, और उसके बाद क्योंकि एक बार गलती हो जाती है उसके बाद ठीक कराना तो फिर बाद में गलती नहीं होती मित्रों, इसलिए मुझे यहाँ पर रोक करके बताना पड़ा। तो फटाफट मुझे जवाब दीजिए मित्रों, हाँ दिलराज जी समझने में गलती हुई साहब, थैंक यू दिलराज जी। अब दिलराज जी बहुत है हिंदी के विशेषज्ञ, ये भी हिंदी के विषय में बहुत ज्ञान रखते हैं। और टिंकू जी चलो, टिंकू जी ओके, गोलू जी बिल्कुल आसान तरीके से समझाया, थैंक यू दिलराज जी ओके थैंक यू, सविता जी, सज्जन जी, भारत, दीपिका जी, विजय जी, गोलू जी, दिलराज जी, थैंक यू आप सभी का, अतुल जी, वंदना जी, प्रभुदयाल जी, महेश जी, विजय जी, आप समझाए और समझ में नहीं आए, तो विजय जी आप जैसे इंटेलिजेंट छात्र जब हमारे पास होते हैं तो अपने आप हमें भी एनर्जी आ जाती है, हमें भी ऊर्जा आ जाती है। तो खैर मित्रों, मैं अभी यह विषय शिक्षण विधियों का नहीं था, पर हमारे एक प्रिय ने ये प्रश्न पूछा तो फिर उसका जवाब देना उचित था, इसलिए ये आपका थोड़ा टाइम विधियों में लेके गए। हालांकि आप तय मान लीजिए विधियां शिक्षण विधियों की मैं बात आपसे बहुत है, मेरे यही था कि मैं ऑनलाइन प्रारंभ जो करूँ वो शिक्षण विधियों से करूँ, ऐसी मेरी मंशा थी प्रारंभ में। पर मुझे लगा कि जो नए छात्र जुड़ेंगे वो नए छात्र, क्योंकि आप जो ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं वो छात्र तो जानते हैं कि हाँ विधियों में बहुत, पर नए छात्र जुड़ेंगे तो वो मैं क्या है कि व्याख्या में बहुत ज्यादा टाइम लगा दूंगा तो वो इतना झेल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने ये ठीक है कुछ व्याकरण के टॉपिक करवाता हूँ उसके बाद विधियों की बात करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए। अलका जी पहली बार समझ में आया सर, बिल्कुल अलका जी आपके हर टॉपिक समझ में आएगा और शिक्षण विधियों को बहुत तरीके से अपन लेंगे हर विधियों के विषय में। हमें यहाँ शिक्षण विधि की तो केवल बात करेंगे आपसे, यहाँ कोई ज्यादा बस बहुत सारी चीजें जो आप जानते हैं शिक्षण विधियों में, आप 70% आप जानते हैं, बस मुझे क्या करना है कि वो 70% को 100% करना है, यानी आपसे जोड़ते हुए आपके व्यवहार से जोड़ते हुए मैं बात करूंगा आपसे। अब कोई भी बात करे मित्रों, अब हमें क्या, मुझे थोड़ा सा ऐसे छात्रों पर थोड़ा सा गुस्सा सा भी आता है जब वो यूं रटते हैं मित्रों LSRW ऐसे रटने हैं कि वो भाषाई कौशलों की बात करते हैं, जब वो रटते हैं एल, पहले एल आएगा फिर एस आएगा फिर आर आएगा फिर डब्ल्यू आएगा, ये कोई बात नहीं हुई इस प्रकार, मुझे ठीक नहीं लगता, ये बहुत कॉमन चीज है। हम जानते हैं जब बालक जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेगा तो क्या मम्मी से वो कहेगा, क्या मम्मी से कहेगा क्या मम्मी लाओ कॉफी पेन दे दो मुझे कुछ लिखना है, निबंध लिखना है, लिखेगा थोड़ी जन्म लेते ही जी, नहीं तो क्या वो उपन्यास मांगेगा कि मुझे पढ़ना है, वो पढ़ेगा जी नहीं, तो वो जन्म लेते ही बोलने लग जाएगा क्या कि मम्मी कहाँ हो पापा कहाँ हो, ऐसा नहीं है। जन्म लेने के बहुत दिन बाद तक वो सिर्फ सुनता है सुनता है बहुत बार बार कई बार एक एक शब्द का जब रिपीटेशन होता है बार बार सुनता है, जब सुनने में वो प्रवीण हो जाता है, श्रवण कौशल में वो अभ्यस्त हो जाता है, उसके बाद वो जब बार बार एक शब्द को सुनता है फिर वो धीरे धीरे तुतला करके बोलने लगता है। तो पहला तो भाई सुनना ही है कौशल, दूसरा क्या है फिर वो बोलेगा धीरे धीरे बोलेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब 4-5 साल तक वो बोलता रहेगा फिर क्या करेगा करेंगे हम उसका एडमिशन विद्यालय में करवा देंगे,
पहले उसने सुना, फिर उसने बोला, फिर विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे। विद्यालय में जब एडमिशन होगा तब तब क्या कहेंगे, ऐसा तो नहीं पहले दिन गुरुजी कह देंगे ले बेटा ये क कबूतर लिख, अब उसको पता ही नहीं कि क कबूतर लिखे कैसे। हालांकि इंग्लिश के कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं पहले लेखन होता है, पर वो पर उसे स्थिति तक नहीं कहा जो हम मान लें, ठीक है ना। इसलिए पहले वो पढ़ना सीखेगा, बताएंगे पहले दिन के कबूतर बाला खे खरगोश बाला गे गाय वा। पहले क्या करेंगे, पहले उन्हें आकृतियों से, उन्हें आकृतियों की जब समझ बनेगी, उन्हें को पढ़ना वो सीखेगा, उनका उच्चारण करना सीखेगा, उसके बाद वो अंतिम जो सोपान आता है, अंतिम जो कौशल आता है वो होता है लिखना। तो इनको क्या सामान सी बात है, पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा। इनको भी मेरे बहुत सारे साथी इनको भी रटते हैं, इनको भी रटवाते हैं कि LSRW, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। हम व्यवहार से लेते हुए चलेंगे, शिक्षण विधियों की बात करेंगे विस्तार से, आपसे जुड़ते हुए बात करेंगे। तो मित्रों दीपिका जी ऑफलाइन में नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं है, पुनः वो दिन आएंगे, पुनः आएंगे आप हाँ विजय जी ऑफलाइन में कुछ है, देखें कुछ सीमाएं होती है क्योंकि वो बैच भरे भरे रहते हैं और उनमें यदि आप ऐसे, हालांकि मैं वहां भी टाइम देता था और विजय जी कि जब जैसी मैं क्लास में एंट्री करता था तो मैं आपसे पूछा करता था कि आप बताइए कोई प्रश्न आपका है तो आप, खैर वो आपका सम्मान था कि आप जो अनर्गल प्रश्न होते थे तो वो हमसे नहीं करते थे, लेकिन जो काम के प्रश्न थे जो आपको लगता था वो आप पूछा ही करते थे। खैर चलो इसे ऑनलाइन से ये तो बढ़िया हुआ, ये शुरुआत तो बढ़िया हुई कि कम से कम आप हमसे बेझिझक हर प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पुनः आप सभी का दिलराज जी थैंक यू, आप जैसे हिंदी के मैं भी एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ और आप भी सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो आप जैसे विद्यार्थियों का मैं सम्मान करता हूँ। बहुत कुछ हिंदी की समझ आप रखते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, मुझे बहुत प्रशंसा बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है और मैं ईश्वर से यही चाहता हूँ बस आप और हम हमेशा इसी प्रकार लगे रहें, हमेशा आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो मित्रों मैं अब आपकी ये क्लास, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पे ने जो अपेक्षा की उस पर खरा उतरा होऊंगा और आप मित्रों अधिक से अधिक इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं। और आपको अच्छा लगा हो तो, आपको बुरा लगा हो तो नहीं करें, क्योंकि फिर आपसे ही लोग कहेंगे कि अरे अरे किस गुरुजी के लिए कह दिया, वो तो ऐसा पढ़ाते वैसा। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप चार लोगों तक तो कम से कम शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करें। अभी इतने छात्र बने हुए हैं लेकिन लाइक अभी इतने छात्रों के नहीं आए, तो लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है। और मैं आपकी 7 से 7:30 आधा घंटे संस्कृत की क्लास लूंगा मित्रों, संस्कृत प्रत्यय जो आपका चल रहा था उसकी मैं बात करूंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी हिंदी की, थोड़े से प्रश्न उत्तर में। और फिर आनंद जब भी आता है मित्रों जब आपके प्रश्न हो और हम उनको उनके हल कर पाए। तो पुनः मित्रों आप सभी का, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। और 7 बजे मित्रों 7 बजे फिर मिलते हैं आधा घंटे के लिए, 7 से 7:30, 7 बजे आप तैयार रहिए, प्रत्ययों की बात करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।